आज हम पढ़ेंगे हेमोरॉइड्स। तो हेमोरॉइड्स का अलग नाम होता है पाइल्स। ओके, सो जब भी आप हेमोरॉइड्स सुनोगे, जस्ट रिमेंबर कि हेमोरॉइड्स इज रिलेटेड टू द वेन्स इन द रेक्टम एंड द एनस। डेट मीन्स क्या होता है, यहाँ में इन द हेमोरॉइड्स जो वेन्स है रेक्टम और एनस का, उसका इंफ्लामेशन हो जाता है और उसका स्वेलिंग हो जाता है, एंड देट कैन कॉज डिसकम्फर्ट एंड द ब्लीडिंग। एज यू कैन सी हियर कि ये हमारा रेक्टम है, ओके, एंड दिस इज द डेंटेड लाइन, डेंटेड लाइन। एंड यहाँ देखा होगा कि यहाँ में इसको बोलते हैं हेमोरॉइडल प्लेक्सस, ओके, इसको बोलते हैं हेमोरॉइडल प्लेक्सस, एंड दिस इज अ नॉर्मल वेन्स ऑफ रेक्टम। बट इफ यू सी दिस साइड, यू कैन सी दिस इज द इंटरनल हेमोरॉइज। यहाँ क्या हो गया, पोट्रूथ होके आया हुआ, ये स्वेलिंग हो गया बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द वेन्स या उसका इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये नीचे ऐसे आके आया हुआ, राइट। सो इसको बोलते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स। एंड ऑल्सो इफ यू विल सी हियर, दिस इज द एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, ओके, एंड दिस इज द डेंटेड लाइन। डेंटेड लाइन सेपरेट्स द जो रेक्टम है और जो एनर कैनल है उसको सेपरेट करता है। एंड ऑल्सो डेंटेड लाइन की वजह से वी कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट कि इंटरनल हेमोरॉइड्स क्या होता है एंड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स क्या होता है, ओके। सो हेमोरॉइड्स दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल हेमोरॉइड्स एंड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। इंटरनल हेमोरॉइड्स जो इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर में ऑकर होता है, दैट इज़ द इंटरनल हेमोरॉइड्स। और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, इंटरनल हेमोरॉइड्स ऑकर होता है इन द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ओके। सो दिस इज द एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स एंड दिस इज द इंटरनल हेमोरॉइड्स। नेक्स्ट इज द कॉजेज। सो द मेन कॉजेज ऑफ हेमोरॉइड्स इज द क्रॉनिक कंस्टिपेशन। अगर किसी को परसिस्टेंटली उसको बार बार कंस्टिपेशन हो रहा है तो इट कैन लीड टू हेमोरॉइड्स। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द कंस्टिपेशन, ड्यूरिंग द बावल मूवमेंट क्या करता है, हम लोग स्ट्रेनिंग करते हैं। स्ट्रेनिंग मीन्स हम लोग जब ताकत लगाता है, सो इट कैन लीड टू हेमोरॉइड्स। एंड ऑल्सो द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी समय में कंस्टिपेशन होने का ज़्यादा चांसेस होता है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बेबी क्या होता है कि नीचे जो बावल है उसमें एनल में रेक्टम में प्रेशर पड़ता है, एंड ऑल्सो इन द ब्लेडर, बिकॉज ऑफ विच हेमोरॉइड्स होने का, पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस होता है। एंड प्रोलॉन्ग सीटिंग ऑन टॉयलेट, अगर इफ द पर्सन इज हैविंग कंस्टिपेशन एंड इफ शी और ही इज़ सीटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द टॉयलेट, देन उसके कारण भी हेमोरॉइड्स हो सकता है। एंड हैवी वेट लिफ्टिंग, अगर कोई वेट लिफ्टिंग करता है, हैवी वेट लिफ्टिंग, उससे क्या होता है कि रेक्टम में प्रेशर पड़ता है, ओके। एंड द प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और सीटिंग, इफ द पर्सन इज सीटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एक तो उसमें क्या होगा, प्रेशर पड़ता है नीचे, जिसकी वजह से हेमोरॉइड्स होने का चांसेस होता है। इफ़ यू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ हेमोरॉइड्स, तो इसका फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री क्लासिफिकेशन होता है। सो इन द फर्स्ट डिग्री देयर विल बी नो प्रोलैप्स, देखा होगा दिस इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, देयर विल बी नो प्रोलैप्स। दैट मीन्स वो जो एनल कैनल है उसका बाहर प्रोलैप्स होकर नहीं आएगा इन द फर्स्ट डिग्री। बट इन द सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स मीन्स स्ट्रेनिंग, जब स्ट्रेनिंग करता है, ताकत लगाता है, देयर विल बी ए प्रोलैप्स, बट इट विल बी रिटर्न ऑन रिलैक्सिंग। जब रिलैक्स होगा स्फिंक्टर, तो इन दैट केस जो हेमोरॉइड्स है इट विल रिटर्न बैक, ओके। इन द थर्ड डिग्री प्रोलैप्स व्हेन स्ट्रेनिंग, सेम, ड्यूरिंग द स्ट्रेनिंग देयर विल बी अ प्रोलैप्स, बट इट डू नॉट रिटर्न ऑन रिलैक्सिंग, बट इट कैन बी पुश बैक इनसाइड, मैन्युअली वी कैन पुश बैक इनसाइड दैट हेमोरॉइड्स। नेक्स्ट इज द फोर्थ डिग्री, फोर्थ डिग्री में क्या होता है, परमानेंटली प्रोलैप्स हो जाता है। लेट्स कम इनटू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हेमोरॉइड्स। इन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेशेंट देयर विल बी हेमाटोसीजिया, दैट मीन्स इट इज अ पासेज ऑफ ब्राइट रेड ब्लड इन द स्टूल, ओके, बिकॉज ऑफ कंस्टिपेशन, बिकॉज ऑफ दैट पाइल्स, देयर विल बी ए ब्राइट रेड स्टूल। ब्राइट रेड क्यों होगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्लड इन द स्टूल। एंड ऑल्सो रेक्टल ब्लीडिंग होगा, देयर विल बी इचिंग, इचीनेस का फीलिंग होगा, प्रुराइटस मीन्स द इचीनेस।
एंड पेन होगा एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी ए प्रोलैप्स. नेक्स्ट इज़ द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट फर्स्ट इज़ द डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं बिकॉज जो हेमोरॉइड्स है उसका कोर्स क्या है, कंस्टिपेशंस की वजह से होने का चांसेस होता है. चांसेस नहीं, वही एक मेन कोर्स होता है कंस्टिपेशन. तो मेन है कि वी कैन चेंज, वी कैन सम डू मॉडिफिकेशन इन द डाइटरी. सो उसमें क्या चाहिए फॉर द कंस्टिपेशन, ए हाई फाइबर डाइट कैन बी helpful to relieve the hemorrhoids. So we will suggest the patient to take a high fiber diet and also to increase the fluid intake. Okay. Next is the lifestyle changes की वजह से हो सकता है. Lifestyle changes in the sense क्या होगा कि अगर patient को constipation है तो in that case we can advise the patient to increase the physical activity. अगर patient बहुत लेट तक टॉयलेट में बैठता है, अगर उसका आदत है कि टॉयलेट में बहुत लेट तक बैठना और कंस्टिपेशन के कारण या किसी और के कारण मोबाइल देख के, सो इन दैट केस ऑल्सो वी विल एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड स्ट्रेनिंग एंड ऑल्सो रीडिंग ऑन द टॉयलेट एंड वी विल एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड मेडिकेशन डेट कैन कॉज कंस्टिपेशन. ओके एंड द नेक्स्ट मैनेजमेंट विल बी ए सिट्स बाथ. तो पेशेंट का प्रोलैप्स है अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी. अगर पेशेंट का बहुत सीवियर हेमोरॉइड्स पाइल्स है तो वी कैन रिकमेंड सिट्स बाथ टू द पेशेंट. कि सिट्स बाथ कैसा देता है, वी कैन एजुकेट द पेशेंट बिकॉज सिट्स बाथ देने से क्या होता है, इट विल, इट इज़ हेल्पफुल टू रिलीव द प्रेशर. जो प्रेशर उसमें रिलीव पड़ेगा एंड ऑल्सो जो एनल कैनल है उसको रिलैक्स करेगा. टॉपिकल ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं लाइक इन्फ्लामेशन हुआ है तो इन दैट केस इन्फ्लामेशन होने से वी कैन गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक हाइड्रोकॉर्टिजोन. वी कैन गिव सपोजिटरी ड्रग, बट दैट सपोजिटरी ड्रग क्या कंटेन होना चाहिए, हाइड्रोकॉर्टिजोन होना चाहिए वो सपोजिटरी ड्रग में. ओके एंड ऑल्सो पेन रिलीवर्स दे सकता है एंड वी विल आस्क द पेशेंट, वी विल एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड प्रोलॉन्ग सीटिंग स्टैंडिंग एंड द कंस्टिपेशन. तो वो सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट. इन द सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या करता है, रबर बैंड लाइगेशन करता है. इन द रबर बैंड लाइगेशन, रबर बैंड जो रबर बैंड है उसको हेमोरॉइड्स के अराउंड बांध दिया जाता है. ओके ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है. जब हेमोरॉइड्स में रबर बैंड जब टाई किया जाता है, ओके जब रबर बैंड टाई कर दिया जाता है तो इट विल कंस्ट्रिक्ट द सर्कुलेशन. जो ये पार्ट में हेमोरॉइड्स है उसमें सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं आ पाएगा. बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रिक्ट सर्कुलेशन जो टिश्यू से वो डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा एंड विद इन 7 and 10 days क्या होता है, बिकॉज ऑफ द नेक्रोसिस वो सेपरेट होके इट विल फॉल ऑफ. ओके देट इज़ द रबर बैंड लाइगेशन. नेक्स्ट इज हेमोरॉइडेक्टोमी कर सकता है. इट इज़ ए रिसेक्शन ऑफ हेमोरॉइड्स एंड स्क्लेरोथेरेपी कर सकता है. स्क्लेरोथेरेपी में क्या करता है, ए सोल्यूशन इज इंजेक्टेड इन द हेमोरॉइड्स टू श्रिंक द हेमोरॉइड्स. हेमोरॉइड्स को श्रिंक करने के लिए एक सोल्यूशन इंजेक्ट करता है, दैट इज द स्क्लेरोथेरेपी.